हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूँ पीटी वन एडवांस सॉल्यूशन के साथ। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस पर। उससे पहले बेटा मैं फिर से आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और पेपर भी आपका अच्छा हुआ होगा। नहीं तो बेटा अपनी गलतियां एनालाइज करें और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि पेपर मेरा अच्छा नहीं हो पाया है। बेटा ये जस्ट स्टार्टिंग है ना, और ये एडवांस लेवल का पहला पेपर आप लोगों ने दिया है। डेफिनेटली माइंड ओपन अप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। बस बेटा मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, मेरी एक बात बहुत ध्यान से याद रखिए, हमेशा याद रखिए। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने एक बुक पढ़ी और बेटा उसमें एक बात सीखी, बस मैं आपको बताना चाहता हूं। बेटा सक्सेस इज कंपल्सरी, सक्सेस एक ऑप्शन नहीं है कि मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं या नहीं, मैं कम में गुजारा कर लूंगा या नहीं। बेटा सक्सेस कंपलसरी चीज है बेटा, ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बेटा आप कामयाब होंगे ना बेटा, तभी तो आप अपनी फैमिली को अच्छे से सर्व कर पाएंगे, तभी तो आपके माँ बाप खुश हो पाएंगे, तभी तो आपको मजा आ पाएगा, तभी तो आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे। बेटा लोगों को हेल्प की रिक्वायरमेंट है, लोगों को जॉब्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आप सक्सेसफुल होंगे तो लोगों को जॉब्स दे पाएंगे। बेटा कोशिश करिए, मेहनत करिए, इतना आगे बढ़िए कि आप सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन पाए अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने अड़ोसी पड़ोसियों के लिए, है ना। और आप एक जॉब का भी डेफिनेटली हो सकता है कि एक ऑप्शन बन पाए लोगों के लिए, है ना, आप ऑप्शंस क्रिएट कर पाए लोगों के लिए। तो बेटा मेहनत करें, बिल्कुल घबराए नहीं, डटे रहें, मेहनत करें। डेफिनेटली पीटी टू में हम अच्छा करेंगे, सीटी वन में अच्छा करेंगे, आगे के एग्जाम्स में अच्छा करेंगे, हम आईआईटी में अच्छा करेंगे। हम मेहनत करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, पर कोशिश बस एक ही करनी है, दिमाग में एक ही बात बना लेनी है, बैठा लेनी है, सक्सेस इज कंपलसरी, सक्सेस इज नॉट अ ऑप्शन। ऐसा नहीं कि मैं कम में गुजारा कर लूंगा, उसमें बेटा आप अपनी कैपेबिलिटी को ही नहीं पहचान पाओगे, आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो क्योंकि आप अपनी कैपेबिलिटी नहीं पहचानते हो। फिर बेटा ऐसा नहीं सोचो मेरे को आगे नहीं बढ़ना है ना। बेटा आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है, इतना आगे जाना है, लोगों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनना है। बेटा अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो बेटा हताश होके आगे बढ़ा नहीं जाता है, बेटा कोशिश करी जाती है, मेहनत करी जाती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। बच्चों बड़ी बड़ी कमाल की सेइंग है, कोशिश करिए, इसको दिल में रखिए। मेरे को कामयाब होना है, क्यों कामयाब होना है, रीजन ढूंढिए अपने लिए। बेटा अपना गोल सेट करिए, बड़ा गोल सेट करिए अपने लिए, रीजन ढूंढिए। मेरे को कामयाब होना है, माँ बाप को खुश करना है, मेरे को कामयाब होना है बेटा, लोगों के लिए आपको इंस्पिरेशन बनना है ना। बेटा लोगों को बहुत जरूरत है बढ़िया लोगों की। तो बेटा अगर आप कामयाब होंगे तो बेटा लोगों के लिए बहुत फायदा। अगर आपका फेलियर, वो किसी को फायदा नहीं पहुंचाने वाला है। अगर आप लाइफ में फेल हो जाते हैं बेटा, किसी का कोई फायदा नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर आप कामयाब होते हैं तो बेटा बहुत लोगों का फायदा हो सकता है। तो कामयाबी बेहद जरूरी है, डटे रहें, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो बेटा बस मैं आपको एक ही चीज कहना चाह रहा हूं, पेपर स्टार्ट करने से पहले हार नहीं माने। अगर पेपर में परफॉर्म नहीं भी कर पाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम अभी भी मेहनत करेंगे, कामयाब होंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छा पेपर में बेटा आपको कुछ सॉल्यूशंस जो मिलेंगे वो डेफिनेटली थोड़े से डिफरेंट होंगे, मेरा पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है जहां पे आप पढ़ रहे होंगे। अगर आप दूसरे टीचर का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो उनका तरीका डिफरेंट हो सकता है, पर मैं आपको एक ही चीज कह रहा हूं, या तो एक तरीका ये हो सकता है कि डिफरेंट अप्रोच आई मैंने नहीं सीखनी। बेटा मैं आपको ये कह रहा हूं, जितनी अप्रोच पॉसिबल है ना सारी सीख लीजिए, आपको सारी काम में आने वाली हैं, है ना। अगर ये जो अप्रोच अगर मेरे को डिफरेंट डिफरेंट क्लियर होंगी तो बेटा मेरा जो सोचने का लेवल होगा वो बढ़ जाएगा। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है बेटा वही यही तो चाहते हैं कि आपका लेवल अच्छा खासा हो, बेसिकली आपका आईक्यू चेक करते हैं बेटा। तो आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचना आना चाहिए, आपको डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से सोचना आना चाहिए, है ना, प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से अप्रोच करना आना चाहिए। तो बेटा कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कि हम कोई और मेथड ढूंढ लेते हैं, हम कहीं और से सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। कोशिश करिए, उसको सुनिए, और मैं आपको ये बात श्योरिटी से कह रहा हूँ 100% कि जो सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूँ दैट विल बी अमंग्स द बेस्ट सॉल्यूशन, है ना। बहुत मेहनत करके सॉल्यूशंस रेडी किए जाते हैं, बहुत रिसर्च करके जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है वही मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। आप कोशिश करिए, बहुत ध्यान से देखिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। चलिए आइए बेटा देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है और आपसे कह रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट x इक्वल टू 16 मीटर्स। व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट x इक्वल टू 16 मीटर जब डिस्प्लेसमेंट 16 मीटर हो जाएगी। बेटा AS ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देता है आपको, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2। मैं आपको बता देता हूं, सपोज करो ये AS ग्राफ है,
है ना। तो ए एस ग्राफ, ये छोटा सा जो एरिया आएगा बेटा वो ए डी एस आएगा। ये छोटे छोटे जो एरिया है ए डी एस ये क्या दे रहे बेटा, वी डी वी वाई डी एस को भी एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो वी डी वी हो जाएगा ए डी एस, इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे है ना। ए डी एस जो है बेटा वो छोटा सा एरिया, तो ये आ गया टोटल एरिया अंडर एस ग्राफ, और ये क्या बन जा रहा है बेटा, इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी यू थी, फाइनली वी हो गई, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय टू, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय टू। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, दैट इज एरिया अंडर एस ग्राफ गिव्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय टू, जो कि यू यहां पे जीरो है, तो बेटा बेसिकली वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर बाय टू यहां पे आएगा। और एरिया कितना आ रहा है बेटा, ये ट्राइंगल है इसका एरिया क्या है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ टू इंटू टू, दैट इज हाफ ऑफ टू इंटू टू क्या हो जाएगा टू, और ये क्या हो जाएगा बेटा टू इंटू सिक्स ट्वेल्व। फिर ये वाले ट्रेपीजियम का एरिया हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ ऑफ टू प्लस फोर, हाफ ऑफ टू प्लस फोर क्या हो जाएगा थ्री, थ्री इंटू टू दैट इज सिक्स, हाफ ऑफ टू प्लस फोर दैट इज क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ टू प्लस फोर सिक्स बाय टू दैट इज थ्री इंटू टू सिक्स हो गया, और इसका क्या जाएगा हाफ ऑफ सिक्स इंटू फोर, हाफ ऑफ सिक्स इंटू फोर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों बोलेंगे जरा, हाफ ऑफ सिक्स इंटू फोर दैट इज ट्वेल्व। बेटा ये आपने एरिया निकाला इसका 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 और इसका, मेरे हिसाब से बहुत ही आसान है, और ये होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय टू, ये क्वांटिटी क्या बन जा रही है ट्वेल्व ट्वेल्व ट्वेंटी फोर सिक्स थर्टी थर्टी टू, थर्टी टू इंटू टू सिक्सटी फोर, वी स्क्वायर सिक्सटी फोर, तो वी क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों एट मीटर्स पर सेकेंड, विच इज इन ऑप्शन डी। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं पाथ ऑफ ए एज ऑब्जर्व्ड बाय बी, पाथ ऑफ ए एज ऑब्जर्व्ड बाय बी, ए को पाथ कैसी दिखाई देगी बी की, ठीक है, दैट इज देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, मान लो किसी टाइम पे ए यहां पे है और बी यहां पे है, ये पोजीशन वेक्टर ए का है आर ए, ये पोजीशन वेक्टर बी का है आर बी, आई एम सॉरी बेटा, वैसे ये थ्योरी में ही आपको क्लियर होता है ये चीज, लेकिन एक बार जस्ट आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। अब पाथ ऑफ ए एज ऑब्जर्व्ड बाय बी, पाथ ऑफ ए, ओ सॉरी फिर मेरे को उल्टा बना लेना चाहिए था थोड़ा सा, नहीं तो फिगर थोड़ा सा वो नीट नहीं दिखेगा, इधर बी को बना देते हैं और ये उसका पोजीशन वेक्टर है बी का, ये ए का पोजीशन वेक्टर है आर ए। अब बेटा मेरे से कह रहे पाथ ऑफ ए एज ऑब्जर्व बाय बी, दैट इज बी को आप ओरिजिन मान लीजिए, अब ए की पाथ क्या दिखाई देगी बेटा, ये आर बी है ना, और ये मान लो आर है जो पाथ दिखाई देगी, पाथ ऑफ ए ऑब्जर्व बाय बी, और बेटा ये आर है, तो बेटा दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, देयरफॉर दिस वेक्टर इज दिस माइनस दिस, तो आर ए बी क्या हो जाएगा बेटा आर ए माइनस आर बी, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, व्हिच इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए भी गिवन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी भी गिवन है, तो आर ए माइनस आर बी क्या आएगा टी माइनस टी स्क्वायर प्लस वन आई कैप, टी माइनस टी स्क्वायर प्लस वन आई कैप प्लस टी स्क्वायर माइनस टी जे कैप, ठीक है, ये आ गया बेटा आर ए माइनस आर बी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है प्यारे बच्चों टी माइनस टी स्क्वायर प्लस वन, और वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है टी स्क्वायर माइनस टी, इनको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा x प्लस वाई क्या बन के आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू वन, अरे वाह ये किस चीज की इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, तो कह रहे पाथ ऑफ ए एज ऑब्जर्व्ड बाय बी, तो क्या आएगी स्ट्रेट लाइन, पाथ ऑफ ए एज ऑब्जर्व्ड बाय बी क्या आएगी स्ट्रेट लाइन। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। बेटा वैसे तो मैं आपको ना ये डायरेक्टली भी बता सकता था, मेरे पास डायरेक्टली भी एक ऑप्शन था इसको सिखाने का, आप देखिए ध्यान से बेटा, अगर पाथ ऑफ ए एज ऑब्जर्व्ड बाय बी जब मैंने किया ना, आप देखिए ध्यान से, तो मैं क्या कर रहा हूं पाथ ऑफ बेटा आर ए बी को हम बोलते हैं आर ए माइनस आर बी, क्या बोलते हैं आर ए माइनस आर बी, आप ध्यान से देखिए जो एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है ना ये, और जो वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है बेटा ये इसी का नेगेटिव है ना, ये क्वांटिटी का नेगेटिव ये क्वांटिटी है,
एक्स कोऑर्डिनेट लिखा, वाई कोऑर्डिनेट लिखा, तभी मैं समझा कि एक्स प्लस वाई अगर हम जोड़ देते तो क्या मिल जा रहा है, कॉन्स्टेंट। और ये किस चीज की इक्वेशन हो गई, स्ट्रेट लाइन की। ये किस चीज की इक्वेशन हो गई, स्ट्रेट लाइन की। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूँ, है ना। बाकी बेटा मतलब जो अलग अप्रोच होती है वो क्या होती है, आप देखो बेटा कब ए, आपने पढ़ा होगा बेटा प्रोजेक्टाइल में कि एक प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में दूसरे की पाथ क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। क्यों ऐसा क्यों होता है प्यारे बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेटा अगर मान लो एक प्रोजेक्टाइल है, उसका एक्सेलरेशन जी है, दूसरे का भी एक्सेलरेशन जी है, तो एक पे बैठ के दूसरे का एक्सेलरेशन क्या दिखाई देगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, दैट इज जीरो दिखाई देगा, है ना। दोनों का जी है तो एक को दूसरे का एक्सेलरेशन क्या दिखाई देगा, जीरो। अगर हम लोग मान लो दो लोग एक ही कार में जा रहे हैं, दोनों एक ही कार में, तो एक को दूसरे की स्पीड क्या दिखाई देगी, जीरो। एक को दूसरे की स्पीड क्या दिखाई देगी प्यारे बच्चों, जीरो दिखाई देगी, है ना। अब अगर जीरो दिखाई दे रही है बेटा, वैसे ही अगर दोनों का एक्सेलरेशन बराबर है तो एक को दूसरे का एक्सेलरेशन क्या दिखाई देगा, जीरो। और एक्सेलरेशन क्या है, एक सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, एक सेकंड में वेलोसिटी में जीरो चेंज आ रहा है, इसका मतलब चेंज नहीं आ रहा है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट, तो आपको क्या दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन। तो एक प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल की पाथ क्या होती है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है, रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो, एक को दूसरे का एक्सेलरेशन जीरो दिखाई देता है। और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होता है कि उसको दिखाई देगा, एक सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज आता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, डीवी बाई डीटी। डीवी वेलोसिटी में चेंज आया, डीटी टाइम में, तो एक सेकंड में डीवी बाई डीटी यही एक्सेलरेशन है। एक सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो जीरो आ रहा है, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन अगर पार्टिकल्स का बराबर है प्रोजेक्टाइल में, दोनों का एक्सेलरेशन जी होता है, तो एक की रिस्पेक्ट में दूसरे का एक्सेलरेशन जीरो, एक सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी क्या दिखाई देगा, जीरो। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज पार्टिकल विल सीम टू मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड। आप वैसे ही यहां पर इसका एक्सेलरेशन निकालते और इसका एक्सेलरेशन निकालते, है ना। तो बेटा आप इसका एक्सेलरेशन निकालें, इसका एक्सेलरेशन निकालें, इसका एक्सेलरेशन आपको क्या मिल जाएगा, टू जे कैप, और इसका एक्सेलरेशन क्या मिल जाएगा, टू आई कैप। और इनिशियल वेलोसिटीज क्या क्या मिल जाएंगी प्यारे बच्चों, इनिशियल वेलोसिटीज भी जो आपको मिल जाएंगी ना, वो क्या मिल रही, दोनों की जीरो जीरो। अब बेटा अगर अब सोच के देखिए, इनिशियल वेलोसिटीज दोनों की जीरो और एक का एक्सेलरेशन टू दिखाई देगा, दूसरे का टू इधर। तो अगर बेटा अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो दिखाई है दोनों की, आप ध्यान से देखिए बेटा, डीएक्स बाई डी टी करिए, आपको सॉरी डी आर ए बाई डी टी करिए, वेलोसिटी ऑफ ए जो आएगी ना बेटा जीरो टाइम पे, वो क्या आ जाएगी बेटा, आई कैप, है ना। और वेलोसिटी ऑफ बी क्या आ जाएगी बेटा, जे कैप। आप करके देख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ बी आपको मिल जाएगी जे कैप एट टी इक्वल टू जीरो। तो एक की वन इधर को है, एक की वन इधर को है, तो बेटा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो मिलेगी ना बेटा, एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में मिल जा रहा है। तो अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन, देयरफॉर पार्टिकल विल सीम टू मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक बार आप खुद से करके देखेंगे, आपको चीज क्लियर होगी, फिर भी ना हो तो कमेंट बॉक्स में डालेंगे, हम नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन में उस चीज को और अच्छे से ले लेंगे। ये ऐसा करते हैं, एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बेटा वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, आई कैप प्लस टू टी जे कैप। वेलोसिटी ऑफ बी क्या आएगी, टू टी आई कैप प्लस जे कैप। तो टी इक्वल टू जीरो पे क्या, अच्छा ये टू टी है ना, तो टी इक्वल टू जीरो पे क्या आएगी, आई कैप इसकी वेलोसिटी, इसकी जे कैप। तो ए की वेलोसिटी आ रही है इधर को वन, और बी की वेलोसिटी आ रही है इधर को वन। ये ए है, ये बी है, ये दोनों की जो वेलोसिटीज आ रही है बेटा टी इक्वल टू जीरो पे, वो ये आ रही है। और एक्सेलरेशन क्या आ रहे हैं बेटा, ध्यान से देखिए बेटा, डी अब इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा, टू जे क्या, इसका एक्सेलरेशन टू आ रहा है हर टाइम पे, और इसका एक्सेलरेशन टू आ रहा है हर टाइम पे। आप ध्यान से देखिए बेटा, जितना ध्यान से देखिए, ये हमको ये दिखाई दे रहा है, जितनी तेजी से ये x में जा रहा है उतनी तेजी से ये y में जा रहा है, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोनों सेम है, तो हर टाइम पे दोनों की रफ्तार बराबर होगी, दोनों की रफ्तार बराबर होगी हर टाइम पे, दोनों बराबर ट्रेवल करेंगे। अगर दोनों इनिशियली ओरिजिन पे होते जो कि नहीं है, तो फिर क्या होता, जितना ये x में जाता उतना ही ये y में। तो इक्वेशन मतलब इसको हमेशा ये दिखाई देता, पार्टिकल हमेशा इधर है, क्योंकि जब वो इधर भी पहुंच जाता तब वो इधर पहुंच जाता, तो दिखाई देता इधर। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। हमेशा उसको एक ही डायरेक्शन में देखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर चलते जा रहे हैं। आप समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा विजुलाइज करिए,
है ना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। नहीं तो आप ऐसा कह सकते हैं वी ए बी एट टी इक्वल टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी क्या आ रही है बेटा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आई कैप माइनस जे कैप, और एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, टू आई कैप माइनस टू जे कैप, दैट इज एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, दैट इज पार्टिकल विल मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जिधर को वेलोसिटी है उधर को ही फोर्स है, तो बेटा स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा, फिर कैसे जाएगा स्ट्रेट लाइन में। तो जैसा आपको ठीक लगे, पहला ऑप्शन जो था, मतलब इसको मैंने थोड़ा सा कोशिश की कि मतलब प्रॉब्लम को उधेड़े, क्योंकि बेटा एक मुद्दा ये ही नहीं है कि खाली प्रॉब्लम आ जाए, अगर आपने प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से घुस घुस के देखा ना चीजें, तो आप अगली जगह टाइम बचा लेंगे, जैसा कि मैं आगे करने भी वाला हूं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे, देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री ये क्या कह रहे हैं। प्यारे बच्चों ये कह रहे हैं एक स्टोन को एक टॉप ऑफ टावर से हमने ड्रॉप किया, जब वो 5 मीटर पे पहुंचा, जब उसने 5 मीटर ट्रेवल किया, तो बेटा दूसरे स्टोन को ड्रॉप किया जो कि ऊपर से 25 मीटर पे है, उसको ड्रॉप किया, तो इसको बेटा 5 मीटर ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा, ड्रॉप अगर किया एच ट्रेवल करने में टाइम लगता है अंडर रूट 2h/g, अंडर रूट 2h/g, एच अगर 5 है तो 2 × 5 = 10, 10/10 1, 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड में वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, अगर v इक्वल टू यू प्लस एटी से भी लिखेंगे तो यू जीरो है, 10 × 1 = 10 हो जाएगी, या 1 सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज आता है उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी इसकी 10 m/s है और इसकी 0 है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 m है, कितना डिस्टेंस है 20 m, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका भी एक्सेलरेशन जी है और इसका भी एक्सेलरेशन जी है, तो बेटा इसको क्या दिखाई देगा, मैं रेस्ट पे हूं है ना, और वो 10 से मेरी तरफ आ रहा है, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो इसको मिलने में इसको टाइम क्या लगेगा, तो एस इज इक्वल टू यू रिलेटिव, एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर, तो बेटा एस रिलेटिव क्या हो गया 20 और यू रिलेटिव क्या हो गया प्यारे बच्चों 10, क्योंकि इसकी 10 है और इसकी 0 है, एक जब इसने 5 m ट्रेवल कर लिए तब दूसरे को रिलीज किया है, तो इसको 5 m ट्रेवल करने में टाइम लगा 1 सेकंड, 1 सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज आता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन विच इज 10, तो 1 सेकंड बाद वेलोसिटी हो गई 10, तो बेटा 10 × t है ना, अब बेटा t निकालना है तो 2 सेकंड बाद ये मिल जाएंगे, बस पूछा हाइट पूछी है ग्राउंड से कितनी है, दैट इज ये 2 सेकंड बाद मिल रहे हैं, और 2 सेकंड बाद कह रहे हैं मिल रहे हैं ग्राउंड पे डायरेक्टली, तो इसको 1 सेकंड यहां से यहां आने में लगा, यहां से यहां आने में फिर 2 सेकंड और लगने, तो 3 सेकंड में जो वो ट्रेवल करेगा वही हाइट है, लगा दो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो 0 है क्योंकि इनिशियली वो ड्रॉप्ड था, बेटा 1 सेकंड अभी हुआ है, 2 सेकंड बाद मिलना है और 2 सेकंड बाद वो ग्राउंड पे मिल रहे हैं, तो 3 सेकंड में वो ट्रेवल कितना करेगा, हाफ 10 × 3 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5 × 9 = 45, मैं इसको ओवरली भी बोल सकता था, 0 वेलोसिटी थी, 3 सेकंड्स बाद क्या हो जाएगी 30, कितनी हो जाएगी 30, एवरेज कितनी हो गई 15, तो 1 सेकंड में एवरेज से 15 चलेगा, 3 सेकंड में 45, आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं क्या है पार्टिकल की, एक्सेलरेशन 5 है, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, और कह रहे हैं वो डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है फर्स्ट सेकंड 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 और थर्ड सेकंड, 3 consecutive seconds में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो रेशियो उनका 3:1:1, बेटा दूसरा और तीसरा वाला डिस्टेंस बराबर है, इससे दिमाग में क्या आ रहा है, दोनों मतलब सेकंड सेकंड के लिए और थर्ड सेकंड के लिए एवरेज वेलोसिटी बराबर होगी, सेकंड सेकंड के लिए और थर्ड सेकंड के लिए जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो बराबर होगी, ठीक है, सेकंड वाले सेकंड के लिए और थर्ड वाले सेकंड के लिए एवरेज वेलोसिटी बराबर होगी, बेटा कोशिश करें मेरी बात समझने की, मैंने आपको पहले भी बता रखा है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी एट मिड टाइम, जैसे यहां पर 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट होता है, यहां 0 थी वेलोसिटी, 3 सेकंड बाद क्या हो जाएगी 30, तो एवरेज क्या हो जाएगी बेटा 15, 1 सेकंड में एवरेज से 15 जाएगा तो 3 सेकंड में 45, सिंपल अगर ऐसे सोच ले, तो बेटा एवरेज वेलोसिटी सेम है दूसरे सेकंड के लिए और तीसरे सेकंड के लिए, एक्सेलरेशन कंटिन्यूअस है, तो अगर सोचो अगर इधर को वेलोसिटी है 5 से बढ़ेगी फिर 5 से और बढ़ेगी, अगर मान लो वेलोसिटी है इधर को एक्सेलरेशन भी इधर को, तो एवरेज तो बराबर आ ही नहीं सकती, इसका मतलब प्यारे बच्चों पता क्या हुआ, अगर डिस्टेंस बराबर ट्रेवल किया है इसका मतलब ये हुआ कि बीच में 0 जरूर हुई होगी, अब 1 सेकंड में 5 से कम होती, इसका मतलब पहले रही होगी 10, 1 सेकंड बाद हुई होगी 5, फिर 1 सेकंड बाद हुई होगी 0, फिर 1 सेकंड बाद हुई होगी 5,
इसलिए 5 से 0 में एवरेज जो आएगी वही 5 से 0 में इधर भी वही एवरेज आएगी। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूँ। बेटा कोशिश करेंगे समझने की, बहुत ही सिंपल है अगर आप कॉन्सेप्ट समझें। बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ, जो पहले सेकंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरे सेकंड में ट्रेवल किया और तीसरे सेकंड में उनका रेशियो 3:1:1, दूसरे और तीसरे सेकंड मतलब बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो स्पीड बराबर होगी एवरेज वैल्यू उसमें। अब एवरेज स्पीड बराबर कैसे हो सकती है, अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहा होता तो स्पीड तो लगातार बढ़नी है, तो एवरेज बराबर नहीं आ पाएगी। जो इस सेकंड के लिए एवरेज आएगी अगले सेकंड के लिए उससे ज्यादा एवरेज आएगी। तो बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे 5 है, यहाँ हो गई 0, तो एवरेज क्या होगी 2.5। बेटा एक सेकंड में 5 से कम होनी है, तो मैं कह रहा हूँ दूसरे सेकंड की स्टार्टिंग में, मतलब पहला सेकंड एंड हुआ तो 5 हो चुकी होगी, दूसरे सेकंड की एंडिंग पे 0 हो जाएगी, क्योंकि एक सेकंड में एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन होता है एक सेकंड में वेलोसिटी में चेंज, तो बेटा वो 0 हो जाएगी, फिर 0 से फिर 5 हो जाएगी, क्योंकि एक सेकंड में 5 का चेंज आना। तो बेटा बता रहे हैं कि बेटा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना 3 सेकंड में, क्वेश्चन ये है, बहुत ही सिंपल है। तो 10 से 0 हुई तो एवरेज कितनी हो गई 5, 1 सेकंड में एवरेज से 5 चलेगा तो 2 सेकंड में कितना चलेगा 10, प्लस 0 से 5 हुई तो एवरेज कितनी हो गई 5/2, 1 सेकंड में एवरेज से 5/2 चलेगा, और एक ही टाइम एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम से डिस्प्लेसमेंट निकाल ली, 5/2 कितना हो गया 2.5, और 10 + 2.5 क्या हो गया 12.5, है ना। और ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है प्यारे बच्चों मेरे को, 12.5 ऑप्शन बी में। आई होप मैं आपको बता पाया हूँ, है ना। मैं इक्वेशन से नहीं करना चाह रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से, मैंने काइनेमैटिक्स का पिछला पेपर भी रिकॉर्ड किया है, अपने जो आंसर्स हैं वो डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे, पर आपको थोड़ा सा मतलब वाइज होना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। डेफिनेटली आपको एक ना डिफरेंट अप्रोच लग रही होगी शायद, है ना। अगर डिफरेंट लग रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोशिश करो इस अप्रोच को अडॉप्ट करो। बेटा यही है मेंटल का, मेंटल लेवल बढ़ाना, आपके पास अप्रोच होनी चाहिए ज़्यादा, ठीक है। तो बच्चों मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट्स का जो रेशियो, वो डिस्टेंस ट्रेवल का जो रेशियो वो 3:1:1 है, इन दोनों में बराबर है। तो बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर 2 सेकंड के लिए, बेटा 1 सेकंड में जो आ रहा है अगले 1 सेकंड में फिर वही आ रहा है, तो एवरेज स्पीड बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब पक्का है कि बीच में 0 हुई होगी, क्योंकि अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। और बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि 5 रही होगी, 1 सेकंड में 0 हो जाएगी, फिर 0 से 1 सेकंड बाद फिर से 5 हो जाएगी। मान लो अब कोई क्वेश्चन अगर 10 देता तो मैं पता क्या सोचता, इनिशियल वेलोसिटी रही होगी 20, अगर मान लो ये एक्सेलरेशन 5 के बदले 10 दिया होता क्वेश्चन में, तो भी मैं यही सोचता 20 रही होगी वेलोसिटी, 1 सेकंड बाद हो जाएगी 10, फिर 1 सेकंड बाद हो जाएगी 0, फिर 1 सेकंड बाद 10, और 10 से 0 में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, 0 से 10 में भी वही डिस्टेंस ट्रेवल होगा, ये 10 से वेलोसिटी 0 हो रही तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 0 से 10 में भी वही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों देखो फिर से मैं अगला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, जहां पर मेरे को कह रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पार्टिकल बी से सी पे पहुंचता है, बीसी और सीडी बराबर डिस्टेंस पे है, बीसी और सीडी बराबर डिस्टेंस है, बी से सी जाने में 2 सेकंड लगते हैं, सी से डी जाने में 1 सेकंड लगता है। बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से, बेटा एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट होती है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो ये आ जाएगा यू प्लस हाफ ए टी, या इसको मैं कह सकता हूं यू प्लस ए टी बाय टू, ठीक है, टी बाय टू टाइम में, टी बाय टू टाइम पे जो वेलोसिटी है वही एवरेज वेलोसिटी, दैट इज एवरेज वेलोसिटी होती है मिड टाइम पे वेलोसिटी। अब बेटा सोचो यहां पर मैं बेसिकली कह रहा हूं इससे 1 सेकंड बाद अगर वेलोसिटी मान लो वी है, कितनी है V, तो बेटा यही एवरेज वेलोसिटी होगी मिड टाइम की, V into 2, ये डिस्टेंस होगा 2V, और यहां पर बेटा अब टाइम 1 सेकंड है, इसमें हाफ सेकंड बाद जो वेलोसिटी होगी, यहां से हाफ सेकंड बाद जो वेलोसिटी होगी वो डेफिनेटली 2V होगी, तभी तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम से सेम आएगा। अब इसके मतलब यहां पर V वेलोसिटी है, यहां से 1 सेकंड बाद, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी इज वेलोसिटी एट मिड टाइम, और यहां से आधे सेकंड बाद, तो बेटा 1 सेकंड बाद यहां पे आना है, आधे सेकंड बाद यहां पे आना है, तो बेटा यहां से यहां आने का टाइम क्या हो गया 1.5 सेकंड, 1.5 सेकंड में कह रहे हैं वेलोसिटी डबल हो जाएगी। अब या तो आप v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा लो, नहीं तो दिमाग लगा लो कि भैया v है, v और हो जाएगी, 1.5 सेकंड में कितने से बढ़ेगी बेटा 15 से, 1 सेकंड में 10 से बढ़ेगी, तो बेटा 1.5 सेकंड में 15 से बढ़ेगी, है ना, तो बेटा v 15 हो गया, ऐसे सोच लो। और अगर आपको लग रहा हो नहीं आप v इक्वल टू यू प्लस एटी ही लगाना चाहते हैं, तो 2v इक्वल टू वी प्लस 10 इंटू 1.5, यहां से आपको v मिल जाएगा 15,
बेटा देखो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ तरीके थोड़े से हो सकते हैं डिफरेंट हो, पर कोशिश करिए हजम करने की, ये बेस्ट मेथड्स हैं, इससे आपको टाइम सबसे कम लगेगा। ठीक है, तो ये आ गया V15 आ गया। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर V है 15, यहां पे वेलोसिटी है 15 और यहां पे है 30 और यहां पे अगर सॉरी यहां पे है 15, तो बेटा जो कि एक सेकेंड बाद है, एक सेकेंड में 10 से पड़ेगी, तो बेटा यहां पे B पे वेलोसिटी क्या रही होगी? 5। अब बेटा सोच के देखिए, यहां पे 5 वेलोसिटी है और आपसे पूछा गया है बताइए कि यहां से A से B पे आने का टाइम, तो 0 से 5 होने में टाइम क्या लगेगा? बेटा एक सेकंड में वेलोसिटी 10 से बढ़ती है, एक सेकंड में वेलोसिटी 10 से बढ़ती है, हाफ सेकंड में 5 से बढ़ेगी, तो बेटा टाइम लगेगा हाफ सेकंड। दैट इज ऑप्शन ए। A से B आने का टाइम, बेटा मैं फिर से बोल दे रहा हूं, B और C के जो मिड टाइम होगा वो यहां से B के एक सेकंड बाद, मान लो वेलोसिटी V है, तो V इंटू 2 हो जाएगा ये डिस्टेंस, और C के हाफ सेकंड बाद जो वेलोसिटी होगी डेफिनेटली वो 2V होगी, क्योंकि वही एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। बेटा 2V इंटू 1, जो डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, V इंटू 2 यहां आ रही है, यहां पे 2V इंटू 1। तो बच्चों मैं बस आपको इतना कह सकता हूं कि जो V से 2V होने में टाइम क्या लग रहा है, एक सेकंड बाद यहां पे और फिर आधे सेकंड बाद यहां पे 1.5 सेकंड्स में वेलोसिटी बढ़ती है 15 से, एक सेकंड में 10 से, तो 1.5 सेकंड में 15 से। बच्चों आप कोशिश करें मेरी बात समझने की, मैं आपको पक्का समझा ले जाऊंगा। डेफिनेटली मेथड डिफरेंट है, पर आप PT1 मेंस और PT1 एडवांस का सॉल्यूशन देखिएगा और आप अपने आप में प्रोग्रेस एक नोटिस कर पाएंगे, आपको एक ट्रिक मिल जाएगी जिससे आप प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव, रेक्टिलिनियर के क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो कोशिश करें, ध्यान से एनालाइज करें। तो बेटा V से 2V होने में टाइम कितना लग रहा है? 1.5 सेकंड्स, है ना? और मैं आपको ये कह सकता हूं बेटा 1.5 सेकंड्स में वेलोसिटी तो 15 से बढ़ रही है, 15 से बढ़ के 2V हो गई, दैट इज 15 V के बराबर ही होगा। आई होप मैं आपको समझा पाया। तो V कितना आ गया? 15। सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहे हैं? पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट्स वेलोसिटी वेरीज एज 6 - 2t, वेयर V इज इन मीटर पर सेकंड एंड t इन सेकंड्स। The difference between distance covered and magnitude of displacement in first 4 seconds. बेटा VT graph बना लेते हैं, आइए देखिए। 6 - 2t, V equal to 6 - 2t, तो velocity 0 कब होगी? 3 seconds पे। बेटा इतना तो कर लेंगे ना, velocity को 0 करें, time 3 seconds। अब 4 second में पूछा है, ये VT graph है। Difference between distance and displacement, बेटा VT ग्राफ के नीचे का एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट, ये कितनी हो जाएगी? ये 6 है, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी, तो हाफ ऑफ 6 इनटू 3 कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ 6 इनटू 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, बोलेंगे? हाफ ऑफ 6 इनटू 3 हो जाएगा 9। तो 9 मीटर ये आ गई, और ये कितना आएगा बेटा 2 सेकंड में, सॉरी 1 सेकंड में आ गया। बेटा t इक्वल टू 4 पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 4 पुट करो, -2 आ रही है, दैट इज ये जो चीज है ये 2 है, तो बेटा ये कितना आ जाएगा? हाफ ऑफ 1 into 2, that is ये 1 आ जाएगा। तो distance क्या आ जाएगा बेटा? 9 एक तरफ गया है और negative velocity से, तो negative side, तो displacement हो जाएगी 8 और distance क्या हो जाएगा? 9 + 1 = 10, तो difference क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 2 meter। I hope बच्चों मैं आपको बता पाया हूँ। बेटा बहुत ही सिंपल बात है, ध्यान से देखिए। बेटा ये वाला एरिया निकाला, V equal to 6 - 2t प्लॉट किया, 3 सेकंड पे वेलोसिटी 0 है, यहां तक का एरिया 9, ये अगले 1 सेकंड में जो एरिया आ रहा है ये वाला, ये 1 आ रहा है मैग्नीट्यूड, बेटा वेलोसिटी नेगेटिव, मतलब नेगेटिव में चला है, मतलब 9 गया पॉजिटिव में, फिर 1 आया नेगेटिव में, तो डिस्टेंस हो गया 10 और डिस्प्लेसमेंट हो गई 8 और डिफरेंस हो गया 2। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। और ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ इस हिसाब से? ऑप्शन डी। तो हो गए 6th क्वेश्चन, चलिए चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। बेटा 7th क्वेश्चन नाम के लिए ऑप्टिक्स का है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 45 डिग्री पे मिरर है बेटा, कितने डिग्री पे? 45 डिग्री पे। और कह रहे हैं यहां से O से हमने मान लो 24 मीटर पे एक ऑब्जेक्ट है जिसको ड्रॉप किया, पूछ रहे हैं बताइए कितनी देर बाद डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी 4√2 मीटर। 4√2 मीटर कितनी देर में? बेटा मैं बस आपको सिंपल सी बात कह सकता हूं, वो तो तभी होगा जब ऑब्जेक्ट 4 पे होगा, तो इमेज इधर 4 पे होगी, और ये 4 4 का ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस? अंडर 4√2, कितना हो जाएगा? 4√2। तो बेटा 24 से बेसिकली 4 पे आने में टाइम पूछ रहे हैं,
तो बेटा 20 ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा? 20 ट्रेवल करने में टाइम लगेगा अंडर रूट ऑफ 2h/g, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 20/10। बेचा बेटा बेसिकली 20 ट्रेवल करने में, 20 ड्रॉप किया बेटा, 20 ट्रेवल करने में टाइम अंडर रूट 2h/g, ये जीरो गया, तो 2 स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई होप मैं आपको समझा पाए बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मक्खन क्वेश्चन एक और सामने है, ये बहुत ही वाहियात सा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहे हैं आर है, पोजीशन वेक्टर है 2 साइन पाई बाय 4t प्लस 2 कॉस पाई बाय 4t प्लस, सॉरी ये आई कैप भी था यहाँ पे, ये जे कैप भी है यहाँ पे और के कैप भी है, 3t के कैप। बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पूछा है, बेटा पहले dr by dt से रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर से आप वेलोसिटी निकाल लेंगे, तो वेलोसिटी क्या निकल के आ जाएगी? 2 पाई बाय 4। बेटा साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? कॉस, और फिर पाई बाय 4 बाहर आएगा, तो कॉस पाई बाय 4t, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा बेटा? 2 पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 2, उसी की तरह साइन पाई बाय 4t, और कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन होता है, तो यहां पे आपको माइनस बनाना पड़ेगा, प्लस 3k कैप। ओ मैं फिर से जे कैप और आई कैप लिखना भूल गया हूं। अब बेटा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है स्पीड, जो कि क्या होगी? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बेटा ये पाई बाय 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पाई बाय 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो पाई बाय 2 स्क्वायर दैट इज पाई स्क्वायर बाय 4 आ जाएगी, प्लस 3 स्क्वायर 9 आ गया। तो बेटा ये स्पीड आ गई, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या आएगा बेटा? 0, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट आ गई, स्पीड तो क्या आ गई? कांस्टेंट आ गई, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 0 हो जाएगा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। 9th क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ऑल द पॉसिबल पॉइंट्स वेयर द मैन कैन रीच एट टी इक्वल टू 1 सेकंड्स। आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से पहले पढ़ लीजिए, क्वेश्चन या तो अभी स्क्रीन पे आया होगा या तो पहले मैंने इकट्ठे क्वेश्चंस प्रोजेक्ट किए हैं, तो वहां से आप क्वेश्चंस की पहले फोटोग्राफ ले लीजिए, ताकि आपको आसान रहेगा, है ना, चीजों को समझना। 9th क्वेश्चन में बेसिकली क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन में जरूर एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन बेटा ये है कि 1 मीटर पर सेकेंड से रिवर फ्लो कर रही है ना। बेटा मैंने आपको हमेशा बोला है कि रिवर का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप ट्रेन मान लीजिए, तो ट्रेन 1 तो इधर ले ही जाएगी आदमी को, कह रहे 1 सेकंड बाद। अब आदमी जो है रिवर में फ्लो करता है 3 मीटर पर सेकंड से, मतलब स्विम कर सकता है 3 मीटर पर सेकंड से स्टिल रिवर में, तो बेटा 1 तो वो इधर जाएगा ही जाएगा। अगर वो 0 0 पे है तो 1, 0 पे तो वैसे ही पहुंचता, भले वो रेस्ट पे रहता, भले वो फ्लोट करता खाली, ट्रेन 1 तो ले ही जाएगी। अब 3 या तो वो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है 3, या इधर जा सकता है 3, या इधर जा सकता है, मतलब किसी भी, मतलब इन पॉइंट्स पे कहीं पर भी पहुंच, दैट इज सर्कल पे पहुंच सकता है। इस सर्कल का रेडियस हो गया 3 और सेंटर हो गया 1, 0, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स कॉमा 1, कोई भी एक्स कॉमा वाई एक ऐसा मूविंग पॉइंट है जिसका डिस्टेंस 1, 0 से 3 है, तो एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, दैट इज 9। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लोकस। बेटा कह रहे हैं कि बताइए 1 सेकंड बाद पॉसिबल पॉइंट्स वेयर द मैन कैन रीच। तो बेटा पॉसिबल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? अगर वो 0 0 से स्टार्ट हुआ तो 1, 0 पे तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ठीक है। अब यहां से क्योंकि रिवर 1 मीटर पर सेकंड से उसको ले जाएगी, ट्रेन कह लो, ट्रेन 1 मीटर पर सेकंड से ले जाएगी, वो 3 से चलना है उसने, तो 3 से वो कहीं पर भी जा सकता है, इधर इधर इधर, दैट इज वो इस सर्कल के बाउंड्री पे कहीं पर भी पहुंच सकता है, सेमी सर्कल, इस तरफ तो आएगा ना क्योंकि फ्लो करके जा रहा है, रिवर में स्विम कर रहे ना। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये काफी आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा एवरेज वेलोसिटी पे क्वेश्चन है, एक सर्कल की बाउंड्री पे एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है यहां से, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ए से यहां से पार्टिकल स्टार्ट हुआ है, सी तक पहुंचने का समय पूछ रहे हैं प्यारे बच्चों। मैं बस आपको इतना कह सकता हूं, अगर ये वी से आ रहा है बेटा, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 2π/3, 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 तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 4π/3, यहां से यहां तक 4π/3 इंटू आर, 4π/3 इंटू आर, ये हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आ गया टाइम, ये आ गया टाइम यहां से यहां पहुंचने का। अब एवरेज वेलोसिटी पूछिए, एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है बेटा वो तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? अगर ये आर है, ये आर है,
तो ये चीज कितनी हो जाएगी, आर रूट थ्री। कैसे बता सकते हैं, क्योंकि ये 60 हो गया, तो आर साइन 60 यू गेट 2r sin 60। ध्यान से देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। r sin 60, हाइपोटेनियस sin थीटा, हाइपोटेनियस sin थीटा, 2r sin 60। तो 2r sin 60, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम क्या है, 4 पाई r बाय 3v। ये 3v ऊपर चला जाएगा, ये रूट 3 बाय 2, 2 कट गया, तो r रूट 3 का r भी गया, तो रूट 3 आया, तो 3 रूट 3v अपॉन 4π। कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा, 3√3v/4π, ऑप्शन डी। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं, है ना। तो ये हो गए 10 क्वेश्चंस आपके सामने, दैट इज वन ऑप्शन करेक्ट हमने खत्म कर लिए। चलिए अब मूव करते हैं मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चंस पे। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, PT1 एडवांस मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट का क्वेश्चन है। यहां पर कह रहे हैं x = -16 है, t = 0 पे। x = -16 है, t = 0 पे पूछा है मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट। बेटा देखो, जब तक वेलोसिटी पॉजिटिव है तब तक पार्टिकल एक्स पॉजिटिव में बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव एक्स में बढ़ता जा रहा है। तो बेटा पॉजिटिव एक्स में बढ़ता जाएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट लगातार बढ़ता जा रहा है, कब तक, 24। उसके बाद बेटा वो नेगेटिव में आने लग गया, तो मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट कब आएगा, 24 पे। मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट कब आएगा, 24 पे। अब अगर वो पूछ रहे कितना आएगा, तो बेटा वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया डिस्प्लेसमेंट, ये एरिया कितना आ रहा है 20, ये एरिया कितना आएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। बेटा ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ ऑफ 2+4 दैट इज हाफ ऑफ 2+6, हाफ ऑफ 2+6 दैट इज 4, ठीक है, 4 × 8 32 वाला एरिया आ रहा है। ये एरिया कितना आएगा, हाफ ऑफ 6 × 6 36/2 दैट इज 18। और ये भी बेटा वही चीज, आप देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये भी 6 सेकंड है, तो ये भी वही आएगा एरिया, बस नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। अब मैंने अभी येला एरिया क्यों लिखा ये अभी बताया, तो चलिए ये भी लिख देते हैं, 6 × 10 = 60, ये भी 60 है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है और नेगेटिव में हो रही है। तो मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट बेटा कितना आएगा, -16 पे है 20, 32 कितना हो गया 52 और 18 कितना हो गया, 52 और 18 है 70 minus 16 कितना आ गया 54, दैट इज एक्स मैक्स इज 54। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, एक्स मैक्स आ गया, दैट इज पहला ऑप्शन इज करेक्ट, तो दूसरा मतलब एक्चुअली इनकरेक्ट हो गया। फिर एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहे 18 सेकंड्स पे, 18 सेकंड्स तक डिस्प्लेसमेंट क्या है, 20 और 32 कितनी हो गई 52 डिस्प्लेसमेंट हुई पॉजिटिव में, 16 माइनस पे था, तो पहुंच कहां गया बेटा, -16 पे था ना, ध्यान से समझिए, -16 पे था और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 52, तो 52 अगर यहां से जाएगा तो पहुंच कहां जाएगा, अगर ये 52 है, ये 16 है, ये ओरिजिन है, तो ये पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट कितना, 52 - 16 कितना दिया, 52 - 16 अगर 52 से 16 जाएंगे तो क्या बचेगा, 36, तो 18 पे तो पार्टिकल 36 पे आ जाएगा, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन सही है कि एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 36। अगर 18 पे 36 है तो 30 पे तो होगा ही होगा, क्योंकि जितनी ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है उतनी ये नेगेटिव है, अभी बताया आपको मैंने, तो 18 और 30 पे तो सेम पोजीशन आनी ही है, दैट इज सी करेक्ट है, दैट इज सी करेक्ट है, तो डी भी करेक्ट ही होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, अ पार्टिकल व्हिच इज इनिशियली एट्रेस्ट एट द ओरिजिन इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सेलरेशन विद एक्स एंड वाई कंपोनेंट एज शोन, आफ्टर टाइम टी इक्वल टू 5 सेकंड पार्टिकल हैज नो एक्सेलरेशन एट ओरिजिन, इनिशियली पार्टिकल इज एट ओरिजिन, ठीक है, इनिशियली ओरिजिन पे है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब बच्चों देखो, ये axt ग्राफ दे रखा है, ये ayt ग्राफ दे रखा है, पूछा क्या क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले पूछी है मेरे से मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t = 2 सेकंड्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट t = 2 सेकंड। बेटा सबसे पहले ऐसा करते हैं, ax से vxt ग्राफ बना लेते हैं। बेटा vt ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन होती है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है dv/dt, dv/dt होता है प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन होता है dv/dt तो dv/dt क्या होती है, vt ग्राफ की स्लोप, तो ये vt ग्राफ की स्लोप दे रखी है आपको, है ना, vxt ग्राफ की, और ये रही vyt ग्राफ की स्लोप ऊपर, ठीक है। अब यहां पर बेटा क्या हो रहा है, पहले एक्सेलरेशन नेगेटिव है, दैट इज स्लोप जो आएगी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो नेगेटिव में आएगी स्लोप, है ना, और ये -5 है, दैट इज एक्सेलरेशन -5 है, 1 सेकंड में वेलोसिटी 5 से चेंज होगी, तो 2 सेकंड में 10 से चेंज होगी,
या आप ये भी कह सकते थे जो एटी ग्राफ के नीचे का एरिया होता है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है, तो वो कितना चेंज आ रहा है, 5 × 2 = 10 -10। उसके बाद 10 के रेट से बढ़ने लगी, तो एक सेकंड में 10 से बढ़ के 0 हो जाएगी, मतलब 3 सेकंड्स पे तो 0 पे भी आ जाएगा पार्टिकल, वेलोसिटी 0 आ जाएगी, और उसके बाद उसी रेट से बढ़ती जा रही है, ठीक। और 4 पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 10, ठीक। अब यहां पे देख लेते हैं, डॉट थोड़ा सा हटा देते हैं, जगह नहीं थी इधर लिखने की। अब vxt का क्या बनेगा बेटा, पहले वेलोसिटी बढ़ रही है 10 के रेट से, तो 2 सेकंड में बेटा कितनी बढ़ जाएगी, 20। 2 सेकंड में वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा प्यारे बच्चों, 20। और फिर अगले 2 सेकंड में 20 से घट के वापस 0 भी हो जाएगी। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। तो ये आपके सामने vxt और vyt दोनों दिखा रखे हैं। अब देखो बच्चों हमसे पूछा क्या क्या है, एक बार फटाफट से देखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड, 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड पे x डायरेक्शन में 20 है और y डायरेक्शन में क्या है प्यारे बच्चों, -10। तो 20 x डायरेक्शन में t इक्वल टू 2 सेकंड पे और y डायरेक्शन में है 10। तो 20 और 10 का क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 500। अंडर रूट 500 क्या आ जाएगा, 10 अंडर रूट 5, दैट इज इट इज अ करेक्ट ऑप्शन। मैं फिर से बता रहा हूं, डायरेक्टली भी देख सकते थे, 1 सेकंड में 10 से बढ़ेगी, 2 सेकंड में 20 से, तो x डायरेक्शन में 20 हो जाएगी वेलोसिटी और y डायरेक्शन में 2 सेकंड में क्या हो जाएगी, 10, क्योंकि 1 सेकंड में 5 से चेंज हो रही है, 2 सेकंड में 10 से, लेकिन नेगेटिव में। तो ये 10 ये 20, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 500, दैट इज 10√5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन 0 टू 4 सेकंड, 0 से 4 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी। ओके बेटा देखो, vt ग्राफ के नीचे का एरिया क्या होता है प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही है, हाफ ऑफ 4 * 20, ये x डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट आ रही है, हाफ ऑफ 4 * 20। तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटा, 4 सेकंड पे, हाफ ऑफ 4 दैट इज 2, 2 * 20 कितना आ जाएगा, 40, ठीक है भैया। अब इसके बाद इसमें 4 सेकंड्स में कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, आइए देखते हैं। यहां पर 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, पहले यहां पे 2 सेकंड तक निकाल लेते हैं, हाफ ऑफ 2 * 10 एरिया अंडर vt ग्राफ जो होता है बेटा वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, हाफ ऑफ 2 * 10 ये 10 आ गई, और जितनी ये नेगेटिव आएगी उतनी ही तो ये पॉजिटिव आएगी, सेम रीजन जो पिछले क्वेश्चन बेटा, लीनियर है, दिख रहा है साफ, हाफ ऑफ 1 * 10 हाफ ऑफ 1 * 10 सेम वही एरिया है, 5 और 5, जिससे मेरे को मतलब नहीं है। तो 4 सेकंड्स में y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -10, पार्टिकल नेट में 10 में नीचे गया, तो y कोऑर्डिनेट 4 सेकंड्स बाद हो जाएगा -10, तो x 40, y क्या हो गया, -10। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी बताएंगे जरा, अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, दैट इज 1600 प्लस 100 क्या हो जाएगा, 1700 का अंडर रूट, तो 10 अंडर रूट 17 ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम क्या हो गया 4 सेकंड, तो क्या हो गया 5√17/2, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है, एवरेज वेलोसिटी पूछिए बिटवीन 0 टू 4 सेकंड्स, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम बच्चों। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, vxt ग्राफ के नीचे का एरिया होगा x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, vyt ग्राफ के नीचे का एरिया होगा y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, x कोऑर्डिनेट पता लग गया, y कोऑर्डिनेट पता लग गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट पता लग गई, या x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पता लग गई, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पता लग गई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट पता लग गई अपॉन टोटल टाइम से आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। फार्थेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम y एक्सिस किस टाइम पे होगा, y एक्सिस से डिस्टेंस, y एक्सिस से जो बेटा डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, जो y एक्सिस से डिस्टेंस होता है वो होता है x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम कब होगा बेटा, लगातार तो vx पॉजिटिव है तो मैक्सिमम कब आएगा, 4, मैक्सिमम कब आएगा, 4 सेकंड्स में। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है क्योंकि तब तक ही वेलोसिटी पॉजिटिव है। अगला कह रहे 0 से 2 सेकंड्स में मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी 0 होगी, हो ही नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती 0 से 2 सेकंड्स में, x में तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हो ही गई ना 2 सेकंड में, दिख ही रहा है, अब y में हो या ना हो डिस्प्लेसमेंट, अरे भैया अगर पार्टिकल ओरिजिन पे था x में तो डिस्प्लेसमेंट हो ही गई ना कुछ भी, मेरे को मैग्नीट्यूड से भी मतलब नहीं है। अब y में कुछ भी डिस्प्लेसमेंट हो, पॉजिटिव में हो नेगेटिव में ना हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम 0 नहीं आ पाएगा, दैट इज डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, दैट इज डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, हेंस करेक्ट ऑप्शंस आर ए बी एंड सी।
बच्चों देखते हैं, ये क्वेश्चन है, दो कार्स चल रही हैं 10 से 10 रूट 3 से, है ना। तो अब बेटा मेरे से पूछा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे ऐसे ऑप्शंस हैं और मिनिमम डिस्टेंस कब होगा और कितना होगा। बेटा ये बड़ा कन्वेंशनल क्वेश्चन है, काफी इजी है, आइए देखें करेंगे कैसे। बेटा इसको क्या दिखाई देगा, आई एम एट रेस्ट, और ये अपनी वेलोसिटी पकड़ के 10 इसको नीचे को दे देगा। तो ये हो गई जो इसको इसकी वेलोसिटी दिखाई देगी, 10 रूट 3 इधर 10 इधर, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 रूट 3 स्क्वायर, 100 प्लस 300, 400 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 20। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 20। कैसे बेटा, बेटा 10 और 10 रूट 3 का रिजल्टेंट आई होप सब लोग निकाल ही लेते हैं, अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 रूट 3 स्क्वायर, चलिए लिख के कर लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 अंडर रूट 3 स्क्वायर क्या जाएगा 300 प्लस 100, 400 का अंडर रूट क्या जाएगा 20। अब पूछ रहे हैं मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, इसको क्या दिखाई दे रहा है, मैं तो रेस्ट पे हूं वहीं का वहीं, और tan थीटा क्या निकल के आ रहा है बेटा, 10 अपॉन 10 रूट 3, 1 बाय रूट 3, 30 डिग्री। अब बेटा ये 60 डिग्री हो गया, मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, इसको लग रहा है मैं वहीं हूं और ये ऐसे जा रहा है, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये कितना आ जाएगा 100 साइन 60। मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स मिनिमम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 100 साइन 60। बेटा हाइपोटेन्यूस साइन थीटा परपेंडिकुलर, ये मिनिमम डिस्टेंस आ गया रूट 3 बाय 250 रूट 3। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों। और अगला पार्ट क्या है बेटा, हाँ ये मिनिमम डिस्टेंस होने में टाइम कितना लगेगा। बेटा मिनिमम डिस्टेंस जब हो रहा है तो इसको ऐसा लग रहा है ये वाली कार यहां से यहां पे आ गई, और ये कितना है 100 cos 60, 100 cos 60 ये चीज होगी, इसको AC कह देता हूं, AC, AC क्या है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, 100 cos 60, cos 60 क्या होगा प्यारे बच्चों हाफ, तो ये आ जाएगा 50। और बेटा टाइम क्या लगेगा मिनिमम डिस्टेंस पे पहुंचने में, टाइम कितना लगेगा, कब होगी मिनिमम डिस्टेंस, बेटा 50 उसको ट्रेवल करना है और 20 स्पीड से, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिलेटिव स्पीड कितना आ गया 5/2, जो कि ऑप्शन में नहीं है इसलिए ये गलत दे रखा है, मतलब सर ये तो सही है, ऑप्शन में गलत टाइम दे रखा है, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पाया, मिनिमम एक्स कोऑर्डिनेट और सॉरी मिनिमम डिस्टेंस ये होगा और रिलेटिव वेलोसिटी ये होगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड, ये जो क्वेश्चन है अब आपके सामने, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं टी इक्वल टू 2 सेकंड्स पे डिस्प्लेसमेंट बताओ कितनी होगी, पार्टिकल को फेंका है 40√2 से 45 डिग्री पे, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल प्रोजेक्टाइल का। पर बच्चों मैं फिर से कहूंगा मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, आप कोशिश करिए इस तरीके को अडॉप्ट करने की, नहीं तो इक्वेशंस आपके पास हमेशा एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अब कैसे करना है आइए देखते हैं, 40√2 है तो एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा 40, कैसे 40√2 cos 45, cos 45 1 by root 2 लिखने की जरूरत नहीं, आए हो ये भी 40, ठीक है। अब t equal to 2 seconds में, oh, I'm sorry, t equal to 2 seconds में x component of velocity तो जिंदगी में भी कभी चेंज नहीं हुआ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, और y direction में acceleration क्या है 10, 1 second में y direction में velocity 20 से कम होगी, तो 2 second में, 1 second में sorry 10 से कम होगी, acceleration 10 है, एक सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज आता है दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन, एक सेकंड में 10 से कम होगी तो 2 सेकंड में 20 से कम होगी, 40 है 20 से कम हो गई, कितनी हो जाएगी 20। और अगर आपको लगे ऐसे मजा नहीं आया तो vy equal to uy plus ayt लगा दीजिए, uy कितना हो गया 40, ay कितना हो गया -10, टाइम कितना हो गया 2, 40 minus 20, या तो डायरेक्टली 20 लिख दीजिए, नहीं तो ऐसा करेंगे 40 लाइनें खींचेंगे फिर 20 काट देंगे, ठीक है, चलिए मजाक कर रहा हूं मैं। तो आइए देखिए प्यारे बच्चों, अब पूछा क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन तो 20 आ गए, तो ये तो हो गया, हाइट कितनी हो जाएगी, अब आप ऐसा कह सकते हैं 40 थी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, 20 हो गई, एवरेज कितनी हो गई 30, तो 1 सेकंड में 30 जाएगा तो 2 सेकंड में 60, तो वाई कोऑर्डिनेट तो इसका 60 हो जाएगा, तो पार्टिकल की जो हाइट होगी वो 60 हो जाएगी, और x डायरेक्शन में कितना चला जाएगा बेटा, 1 सेकंड में 40 जा रहा है 2 सेकंड में 80। अब देखो इसको भी करने के आपके पास इक्वेशन वाला मेथड था, x equals to uxt plus half axt square, s equal to ut plus half at square, x डायरेक्शन में लगाइए तो 40 into 2, क्योंकि ax तो 0 है तो half axt square तो आएगा नहीं, 80 आ गया, और y कोऑर्डिनेट भी हाइट निकालने के लिए s equal to ut plus half at square y डायरेक्शन में लगा लीजिए,
40 इंटू टू माइनस हाफ 10 इंटू टू स्क्वायर। पर बेटा ये बहुत आसान है, 40 थी 20 हुई एवरेज 30, 30 इंटू टू 60 खत्म। तो 80x में गेट 60y में, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, दैट इज 100। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। तो डिस्प्लेसमेंट आ गई 100 मीटर्स। इसके बाद मैक्सिमम हाइट, ओ सॉरी हाइट पूछी थी 2 सेकंड पे, वो तो बताई थी मैंने आपको 60 मीटर्स। अब एंगल विद दी वर्टिकल, 20 इधर को है, 40 इधर को है बेटा वेलोसिटी, ये नेट वेलोसिटी होगी, वर्टिकल से एंगल क्या हो गया ये, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा 40/20। टेन थीटा 40/20 दैट इज 2, थीटा क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 2। तो डिस्प्लेसमेंट 100 हो गई, v/20 हो गया, हाइट 60 हो गई और थीटा आ गया टेन इनवर्स 2। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ चुके हैं आपके सामने। काफी आसान क्वेश्चन था, आपको करना क्या था, x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती वही रहेगी, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 10 है, 1 सेकंड में 10 से डिक्रीज होगी, 2 सेकंड में 20 से डिक्रीज होगी, 40 से 20 हो गई, एवरेज हो गई 30, 1 सेकंड में 30 जाएगा एवरेज से, 2 सेकंड में 60। तो y कोऑर्डिनेट 60 हो गया और x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट है 40, 40 into 2 80, 80 60 कितना आ जाएगा 100, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हो गई 100, vy हो गया 20, है ना, हाइट हो गई 60 और थीटा विद दी वर्टिकल निकाल लेंगे 10 थीटा से। और यही काम आप इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं, vy निकालने के लिए vy equal to uy plus ayt, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए s equal to ut plus half at square y डायरेक्शन में, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए s equal to ut plus half at square x डायरेक्शन में। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। आइए देखिए बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पर इसको फेंका कितनी वेलोसिटी से गया, 15√3 से, है ना। इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। यहाँ पर बेटा पूछी है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, रेंज कितनी होगी इंक्लाइन प्लेन पे, और 1.5 सेकंड्स बाद एंगल कितना होगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में, ठीक है। तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते थे मैं आपको याद दिला देता हूँ। बेटा अगर ये मान लो कि हमने थीटा एंगल पे फेंका पत्थर को, ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे कहीं हिट कर जाएगा, ठीक है। अब टाइम कैसे निकालेंगे, इसको x एक्सिस ले लेते थे, इसको y एक्सिस ले लेते थे। बेटा प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड के लिए आपको खाली और खाली एक ही चीज आनी चाहिए, और वो एक चीज क्या है बताइए जरा ध्यान से, एक्सिस को ध्यान से चूज करना। तो एक्सिस को चूज कर लीजिए बस। अब क्या कर लेंगे, x y डायरेक्शन में s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर लगा दीजिए। तो y डायरेक्शन में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मान लो जो इंक्लाइंड प्लेन है उसका एंगल अल्फा है, तो g इधर को है, g cos अल्फा, बेटा ये y एक्सिस है 90 माइनस अल्फा, तो g cos अल्फा, ये g है, g cos अल्फा, और इधर को क्या हो जाएगा, g sin अल्फा। तो बेटा क्या आ जाएगा, यहां पर क्या बन जाएगा हमारे लिए, अगर हमको टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करनी है, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। y क्या हो गया 0, uy क्या हो गया u sin थीटा, बेटा इतना तो कर लेंगे ना फटाफट से, u sin थीटा, जस्ट रिवाइज करा रहा हूं एक बार, और इधर को u cos थीटा है वेलोसिटी, तो u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ ay, ay क्या है g cos अल्फा इनटू t स्क्वायर। यहां से t निकाल लेंगे प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा 2u sin थीटा बाय g cos अल्फा, ठीक है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया खत्म, वहां पे 2u sin थीटा बाय g था, यहां पे 2u sin थीटा बाय g cos अल्फा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो कितना आ रहा है ध्यान से देखिए, 2u, u क्या है 15√3 sin 30, sin 30 क्या होगा हाफ बाय g cos अल्फा, g क्या होगा 10 और cos 30 क्या होगा √3/2। अरे वाह काटे ठाए ठाए, 15 × 30 30/10 3 सेकंड्स। रेंज कितनी आएगी, रेंज के लिए क्या समझदारी देखनी होती है, रेंज के लिए समझदारी लगानी होती है कि आप पुरानी वाली हॉरिजॉन्टल को ही एक्स एक्सिस कह दो, ठीक है। अब ये यू, ये थीटा, ये अल्फा, तो एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी क्या होगी, यू कॉस थीटा प्लस अल्फा, क्योंकि वो चेंज ही नहीं होगी ना, आसान हो गया काम, यू कॉस थीटा प्लस अल्फा, ये थीटा प्लस अल्फा लिखा है, इनटू टी,
ये हो जाएगा बेसिकली जब ये यहां पे टकरा रहा है तो इस टाइम तक ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ये आ गया तो ये निकालना है इनटू sec alpha. बेस sec alpha होता है हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस होता है बेस इनटू sec alpha. क्यों? sec alpha होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूस क्या देगा? sec alpha होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूस क्या देगा? बेस sec alpha. u cos theta plus alpha into t sec alpha, u cos theta plus alpha into t sec alpha. तो रेंज होती है u cos theta plus alpha into t sec alpha, है ना? ये चीज निकाल ली आपने. अब करते हैं u cos theta plus alpha, यहां पे क्या हो गया? 15 root 3. cos theta plus alpha क्या हो गया? cos 60, that is half into t, that is 3 sec alpha. sec alpha sec 30, sec 30 क्या होता है बेटा? 2 by root 3 15 3 40. ये भी सही दे रखा है, मतलब रेंज भी आ गई. अब अगला पार्ट क्या था? लास्ट पार्ट था 1.5 सेकंड बाद. बेटा 3 सेकंड्स टाइम ऑफ फ्लाइट है, 1.5 सेकंड्स बाद पार्टिकल पहली बार बताओ कहां पे होगा? मैक्सिमम हाइट पे इंक्लाइंड प्लेन से. 3 सेकंड्स में वापस आना है, तो मैक्सिमम हाइट पे जाने का जो टाइम होता है वही मैक्सिमम हाइट से नीचे आने का टाइम. तो पार्टिकल यहां होगा, है ना? मतलब इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल चल रहा होगा, मतलब वेलोसिटी इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग होगी. और एक्सेलरेशन तो हमेशा जिंदगी भर से बेटा सुबह से लेके शाम तक, आप सुबह 5 बजे भी उठ जाओगे ना तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे को ही होगा. तो बेटा एक्सेलरेशन है इधर को और वेलोसिटी है इधर को, 1.5 सेकंड्स पे इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल, तो एंगल कितना हो गया? 90 + 30. कितना हो जाएगा? 90 + 30 कितना हो जाएगा? 120. आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं. नहीं तो बेटा आपको क्या करना है? दोबारा देखना है, अच्छे से समझने की कोशिश करनी है. काफी क्लीन एंड क्लियर है जो मैं आपको समझा रहा हूं, राइटिंग में थोड़ा सा झोल है, थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे. आइए बच्चों देखते हैं 3 क्वेश्चन. ये क्या-क्या है बेटा? यहां पे x कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकंड्स पूछी है, एक्सेलरेशन पूछा है 2 सेकंड्स पे 3 सेकंड्स पे, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं? वो तो है नहीं. क्यों क्यों एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं? क्योंकि अगर ut plus half at square होता तो कांस्टेंट होता ना बेटा, है ना? यहां पर तो t cube वाली इक्वेशन, t cube वाला है, इसका मतलब कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन जो होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब होता है तो half at square तक ही आता है, t cube वाली टर्म नहीं आती बेटा, वो तो 9 से ही जानते हैं, है ना? अब अगर मन करे तो आप प्रूव कर सकते हैं ना. अब dx / dt से वेलोसिटी निकालिए, वेलोसिटी क्या आ रही है प्यारे बच्चों? dx / dt से 3t square, तो 3 कट जाएगा, झंड हो जाएगी तरीके, -4t + 4 t -2 का होल स्क्वायर. अब 2 पे वेलोसिटी क्या आ रही है? 0. ठीक है, एक्सेलरेशन भी पूछा, ओ तो ट्वाइस ऑफ dv / dt एक्सेलरेशन था, ट्वाइस ऑफ t -2. 2 पे एक्सेलरेशन क्या रहा है? 0. 3 पे एक्सेलरेशन क्या आएगा? 3 -2 1, 1 into 2 2. अब एक्सेलरेशन दिख भी रहा है, कांस्टेंट नहीं, टाइम के साथ-साथ वेरी कर रहा है. तो बेटा आप देख लीजिए कौन-कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये कौन-कौन से ऑप्शन में आ रहा है. वेलोसिटी एट 2 सेकंड 0, बिल्कुल सही बात है. एक्सेलरेशन एट 2 सेकंड 1, गलत बात है. 3 पे 2, बिल्कुल सही बात है. और मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बकवास कर रहे हैं. अगला फिर प्रोजेक्टाइल का सिंपल क्वेश्चन आपके पास है बच्चों. ये क्या है? यहां पर कह रखा है y equals to, ये ट्रैजेक्टरी की क्वेश्चन है, पूछ रहा है थीटा बताओ, u बताओ, रेंज बताओ और मैक्सिमम हाइट बताओ. आओ करते हैं. तो y equals to x tan थीटा minus half g x square by u square cos square theta. तो tan theta हो गया 10, तो theta क्या आ गया? 10 inverse 10. बेटा x का coefficient 10 है, तो 10 equal to 10 theta, theta क्या देगा? 10 inverse 10. चलो लिख देते हैं, tan theta equal to 10, theta क्या देगा? 10 inverse 10. ठीक है. अब और पूछा क्या है? U बताओ बेटा, x square का coefficient क्या होता है? minus 1 है यहाँ पे, और इधर क्या है? minus half g होता है 10, u square ये तो निकालने में interested हूँ मैं, और 1 upon cos square theta को sec square theta कह सकते हैं, और sec square theta होता है 1 plus tan square theta, और tan theta कितना है बेटा? 10, तो 100 plus 1, 101 है ना, और ये 5 into 101, 505, तो u क्या आ गया? under root of 505, जो कि option में given है, तो ये भी सही है, करेक्ट है बात? बिल्कुल करेक्ट, बहुत सिंपल है बेटा, खाली इससे कंपेयर करो. अब रेंज और मैक्सिमम हाइट, u भी आ गया, थीटा भी आ गया, आप निकाल सकते हो इससे, लेकिन डायरेक्टली पता लग सकता है. रेंज के लिए बेटा, रेंज वो पॉइंट है जहां पे y 0 हो गया,
बेटे ब्राउन पे आ गए तो y तो जीरो हो गया ना, तो y जीरो किस x पे हो रहा है ये देखना। तो y को जीरो करो तो क्या आ जाएगा, यहां से अगर y को जीरो करो, ऊपर वाला पहले मिटो देते हैं एक बार, इतनी जगह है तो काहे कचरा करेंगे भैया। ये देखो अब इसको जीरो करें तो 10x 10 माइनस x इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, y कोऑर्डिनेट जीरो किया, यहां से x क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 10। जीरो तो जीरो पे तो जीरो है ही, मैं जानता हूं। दोबारा जब होगा वो रेंज मैक्सिमम हाइट, बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x इंटू 10 माइनस x है, दो रूट्स है एक जीरो और एक 10, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है सम ऑफ रूट्स बाय 2 पे, 5 पे मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या आएगी 50 माइनस 25, तो मैक्सिमम हाइट क्या आएगी 25। बेटा 0 और 10 दो रूट से मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी 5 पे। आई होप बच्चों मैं आपको बता पाया हूं, तो सारे चारों के चारों पार्ट्स मैंने आपको बता दिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अरे बाप रे, तो बहुत भयानक क्वेश्चन आ गया सामने, y equal to x by 2। बेटा बस मैं आपको एक बात कहूंगा, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन में घबराना नहीं होता है, आपको हिम्मत नहीं हारनी होती, बस लगातार करते रहना होता है। आइए देखते हैं, y equal to x by 2 है ठीक है, और x दे रखा था t cube by 3, तो वहां पे x की वैल्यू पुट करी तो y भी आ गया ठीक है। पूछिए वेलोसिटी एट 1 सेकंड, एक्सेलरेशन एट 1 सेकंड, एक्सेलरेशन एट 2 सेकंड, खाली यही तीन चीजें पूछी है चार ऑप्शंस में। आइए dx by dt से वेलोसिटी निकालिए, vx, तो vx क्या आ जाएगा 3t square by 3, 3 की झंड हो जाएगी t square बचेगा, और vy क्या आ जाएगा 3t square by 6 that is t square by 2 आ जाएगा, या आप डायरेक्टली कह सकते हैं x कोऑर्डिनेट का हाफ है y कोऑर्डिनेट, तो वेलोसिटी भी हाफ आएगी है ना। अब 1 सेकंड पे बेटा क्या आ रहा है, चलो पहले एक्सेलरेशन भी लेते हैं, ax क्या आएगा 2t और ay क्या आ रहा है प्यारे बच्चों dvy by dt से t। अब x मतलब वेलोसिटी बताएं 1 सेकंड पे, 1 और ये हाफ i कैप प्लस 1/2 j कैप, एक्सेलरेशन एट 1 सेकंड, 1 पे क्या आएगा 2 और ये 1, 2 i कैप प्लस j कैप, एक्सेलरेशन एट 2 सेकंड्स, 4 i कैप प्लस 2 j कैप। ये तो बहुत ही आसान था, मतलब इसमें खाली एक ही बात यूज होनी थी, dx by dt vx होता है, dvx by dt ax होता है, dy by dt vy होता है, dvy by dt ay होता है, बहुत ही सिंपल है, फिर वैल्यूज पुट करनी है, कोई भी दिक्कत हो तो एक बार आप देख लीजिए, बस आपको करना क्या था dx by dt vx होता है और dx by dt vx आ गया क्योंकि t cube by 3 था x, तो dx by dt क्या जाएगा 3t square by 3 t square। Similarly बेटा dy by dt से vy आ गया, dvx by dt से vx ax आ गया, dvy by dt से ay आ गया, dvx by dt से ax आ गया, dvy by dt से ay आ गया, मतलब जिस direction की velocity होगा derivative से उसी direction का acceleration मिलेगा। I hope बच्चों मैं आपको समझा पाया हूँ। आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। बेटा ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस दिखने में थोड़ा सा डरावना है। बेटा यहाँ पर क्या है, पत्थर को फेंका 53 डिग्री एंगल पे, पूछा है जो रिलेटिव वेलोसिटी है पार्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट मिनिमम कितनी देर बाद होगी, मैक्सिमम कितनी देर बाद होगी है ना। और बेटा अगर मैं जस्ट आपसे कहूँ मिनिमम कब होगी, मान लो ये मिरर है, मैं सिंपल केस लेता हूँ, मान लो ये मिरर है, मिनिमम कब होगी सोचो, जब वो उसके पैरेलल चल रहा हो, क्यों, क्योंकि इमेज भी उतनी वेलोसिटी से चलेगी और रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो, और अगर परपेंडिकुलर चलेगा तो क्या हो जाएगी मैक्सिमम है ना, क्यों, क्योंकि इसकी रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2v हो जाएगी, और बाकी किसी भी एंगल पे चलेगा बेटा तो इसकी रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, डबल नहीं आएगी बेटा, अब डबल से कम आएगी, डबल तो बेटा 2v तो तभी बनता है जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव वेलोसिटी बेसिकली मैक्सिमम कब होगी, जब वेलोसिटी जो होगी परपेंडिकुलर टू मिरर होगी, और वो कब हो रही है प्यारे बच्चों, वो तो तभी होगी देखो जब ये 37 है, तो परपेंडिकुलर कब होगा 53 पे, अरे भैया 53 पे ही फेंका है, तो यहां पे जब आएगा तो 53 एंगल पे ही वापस आता है, तो परपेंडिकुलर और मैक्सिमम वेलोसिटी भी है, खाली परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर में 1 हो या परपेंडिकुलर में 2 हो तो 2 पे ज्यादा रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, और जब वो ग्राउंड पे आ गए तो मैक्सिमम वेलोसिटी भी है यहां पे, तो यहीं पे ही रिलेटिव वेलोसिटी मैक्सिमम होगी ठीक है, यहीं पे ही रिलेटिव वेलोसिटी मैक्सिमम होगी जब वो यहीं पे ग्राउंड पे हिट करने वाला होगा, और मिनिमम कब होगी, जब एंगल इसके पैरेलल हो जाएगा 37 डिग्री, जब एंगल इसके पैरेलल हो जाएगा। अब बेटा 25 के कंपोनेंट पहले तो लिख लेते हैं,
25 cos 53, 25 sin 53, चलिए 25 cos 53, 25 sin 53, cos 53 क्या होता है 3 by 5, 5 5 is 25, 5 3 is 15, तो इधर को 15 हो गई, और इधर को क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, इधर को आ जाएगी 25 sin 53, 4 by 5, 5 4 is 20, देखो वैसे तो मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ ये सब चीजें, 5 के कंपोनेंट्स मेरे को याद है 3 और 4 होते हैं, तो 25 के 3 25 के क्या करेंगे 3 5 = 15, 5 का 5 टाइम्स और 4 का 5 टाइम्स, है ना। तो अगर आप ऐसे सोच ले तो, है ना, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं, जैसे भी आप करें। इसके बाद हमसे पूछ रहे हैं, ये अगले क्वेश्चन के लिए लिखा होता 5 सेकंड्स, बाद में दोबारा लिख लेंगे, यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। अब बच्चों मेरे से यहां क्या आ गया, ये 20 हो गई वेलोसिटी, 15 हो गई, अब 37 डिग्री एंगल कब होगा, 37 डिग्री एंगल मान लो यहां पे होगा, इधर को तो वेलोसिटी 15 होगी, और vy कितना होगा जब 37 डिग्री एंगल हो गया, vy कितना होगा उस टाइम पे, tan 37 3 by 4, tan 37 क्या होता है प्यारे बच्चों 3 by 4, tan 37 3 by 4 vy by 15, ठीक है, vy कितना आ गया 45 by 4, vy आ गया 45 by 4। अब ये हो गई जब पैरेलल डायरेक्शन में वेलोसिटी, इसके 37 डिग्री एंगल, ठीक है, क्योंकि vx तो चेंज होगा नहीं। अब ये 45 by 4 हो गई, तो बस 20 से 45 by 4 होने का टाइम बताना है, लगा दो vy equal to uy plus ayt, vy क्या हो गया 45 by 4, लिख दो खूबसूरत राइटिंग में, लिख दो uy क्या हो गया 20, अब ay तो बेटा सुबह से लेके शाम तक नीचे ही होता है, टाइम मेरे को निकालना, यहां से टाइम निकाल लेंगे, 20 minus 45 by 4 35 by 40, 5 7 जा 5 8 जा 7 by 8 seconds, इस पे मिनिमम रफ्तार होगी, और मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम तो होगी बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि जब आप जब वापस आ जाएगा तभी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी, ठीक है, और वो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2 uy / g, uy क्या है 20, 2 u sin थीटा / g ना, u sin थीटा uy, 2 into 20 / 10 कितना आ जाएगा 4 सेकंड्स, कितना आ जाएगा 4 सेकंड्स। अच्छा मिनिमम रिलेटिव स्पीड और मैक्सिमम रिलेटिव स्पीड की वैल्यू भी पूछी रही है, तो मिनिमम तो होगी 0, है ना, बताया मैंने आपको मिनिमम तो 0 होगी, और मैक्सिमम क्या हो जाएगी, ये 25 से फेंका था तो 25 पे ही वापस आएगा, और अगर ये 25 से परपेंडिकुलर जा रहा है तो इमेज भी 25 से परपेंडिकुलर, लेकिन वहां तक जगह नहीं, ना मेरा हाथ पहुंच सकता है, तो 20 और रिलेटिव वेलोसिटी का ये मैक्सिमम वाली, इसके रिस्पेक्ट में 25 पलट के देंगे, 25 25 50, आई होप समझ में आ गया होगा। ये देखिए भैया साफ सुथरा बोर्ड, अब भैया हमसे कह रहे हैं एवरेज वेलोसिटी बताओ 5 सेकंड में, एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन, पहले एक्सेलरेशन बताएंगे, 0 पे वेलोसिटी क्या, 0, 5 सेकंड पे वेलोसिटी क्या, 20 माइनस 25 माइनस 5 नहीं है, 4 5 = 20, 20 माइनस 25 माइनस 5, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, माइनस 5 माइनस 0 अपॉन टाइम 5 सेकंड माइनस 1, तो एवरेज एक्सेलरेशन इज माइनस 1, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन करेक्ट हो, एवरेज वेलोसिटी बतानी है, एवरेज वेलोसिटी होती टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट होती v dt का इंटीग्रेशन 0 से 5 सेकंड्स अपॉन टोटल टाइम, ये आ गई एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड में झोल होता है, क्योंकि भैया अगर पलटी मार ली तो बेटा इंटीग्रल में तो अपने आप नेगेटिव होके वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, पर डिस्टेंस के लिए क्या होगा, जो पलटी मारी उसको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, मान लो पार्टिकल 10 इधर गया और 5 इधर आया, इसमें तो अपने आप वो 10 माइनस 5 बना देगा, पर इसमें क्या होगा, मेरे को 10 अलग लेना पड़ेगा और 5 अलग, चलो वो तो बाद की बात है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी देखते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या 4 टी स्क्वायर बाय 2 दैट इज 2 टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाय 3 0 से 5 सेकंड अपॉन टाइम पुट कर लेंगे, लोअर लिमिट तो 0 आएगी, अपर लिमिट क्या आ रही है 25 इनटू 250 माइनस 125 बाय 3 होल अपॉन 5 5 5 इज 25 5 इनटू 25 10 30 माइनस 25 कितना आ जाएगा 30 माइनस 25 5 5 बाय 3
तो एवरेज वेलोसिटी निकल के आ रही है 5/3, बिल्कुल सही। अब एवरेज स्पीड, अब देखो भैया, फॉरवर्ड टी माइनस टी स्क्वायर, फोर माइनस टी इंटू टी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ग्राफ होता है पैराबोला, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, नीचे को खुलता है 0, 4, तो 0 से 4 तक तो पॉजिटिव आएगी, फिर 4 से 5 में बेटा नेगेटिव आएगी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भैया। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को ऐसे डिनोट करें, चलो डिस्टेंस ही लिख देते, वो क्या आएगा बेटा, v dt का इंटीग्रल 0 से 4 प्लस v dt का इंटीग्रल, और ये माइनस ले लो क्योंकि ये नेगेटिव में होने वाला है, मेरे को तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, v dt का इंटीग्रल, dv क्यों लिख रहा है भाई, हां भाई, v dt का इंटीग्रल 4 से 5, नेगेटिव ले लिए ताकि अपने आप ही उसका मैग्नीट्यूड बना दे, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे पॉजिटिव, तो ये 4 तक की डिस्प्लेसमेंट, ये 4 से 5 तक की डिस्प्लेसमेंट अपॉन 5। आई होप इंटीग्रेट तो आप लोग कर ही पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो आइए देखिए हम ही कर देते हैं। 4t का क्या आ जाएगा, 2t स्क्वायर है ना, और टी स्क्वायर का क्या आ जाएगा, टी क्यूब बाय 3, 0 से 4 माइनस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाय 3, 4 से 5 होल अपॉन 5। अब कैलकुलेट करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, 16 2 32 माइनस 64/3, 13 और अपॉन 5, 13/5। तो एवरेज स्पीड जो आ रही है वो 13/5 आ रही है, तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए, ए बी डी। एवरेज स्पीड के लिए 2 ऑप्शन 11/5 और 13/5। कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर रहना चाहिए, करना क्या है, एवरेज स्पीड के लिए आपको ये ध्यान देना होता है वेलोसिटी जहां पे नेगेटिव हो रही है उस पार्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट अलग निकालें, और वेलोसिटी जहां पे पॉजिटिव है उस पार्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट अलग निकालें, है ना। तो चलते हैं अब पेपर 2 की ओर, बाय बाय, मिलते हैं पेपर 2 के सॉल्यूशन में।